50 के बाद भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। लोग बोलते हैं 50 साल हो गया, अभी क्या सेक्स करना, क्या अभी तो ऐसी उम्र हो गई है, ऐसा बोलते रहते हैं। उतना इरेक्शन भी आता नहीं है, बीबी नहीं बोलती है, इससे काफ़ी सारे सवाल आते रहते हैं, तो इसके बारे में मैं आज बातचीत करूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यूजुअली मेनोपॉज हो गया मतलब MC महावारी, स्त्री की बंद हो गई, तो ऐसा एक कल्चर में समझे कि नहीं अभी क्या सेक्स तो खत्म हो गया, तो कुछ बचा नहीं है, अभी तो कोई मजा भी आती नहीं है। 50 के बाद में पुरुष का एंड्रोपॉज बोलते हैं उसको कि भाई अभी तो सेक्स अभी क्या करना है, अभी तो उम्र हो गई है और वैसा इरेक्शन भी बहुत कम आता है, तो इसलिए लोग रिजाइन हो जाते हैं 50 के बाद में पुरुष और 45-46 के बाद में स्त्री। तो रिजाइन होने का कोई कारण नहीं है, मतलब आप 50 के बाद में भी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं, सेक्स अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ क्या तरीके हैं। एक तो देखिए नंबर 1 कि आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं क्या, और वो दवाई का साइड इफ़ेक्ट है क्या कि जिसकी वजह से आपको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से चेक कर लो और दवाई बदल सकते हो आप। समझो कोई सेडेटिव ले रहे हैं, एंटी एंग्जाइटी है, कोई पेन किलर्स है, या ऐसी कोई दवाइयाँ हैं कि जो दवाई से सेक्स के ऊपर बुरा असर होता है, या ड्राउजीनेस आता है या इच्छा नहीं होती है, तो दवाइयाँ आपकी चेक कर लो। और कुछ दवाइयाँ जो मतलब ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है सेक्स के ऊपर, वो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप इरेक्शन आने वाली दवाई आप ले सकते हैं, स्पेशली आफ्टर 50 आप सिल्डेनाफिल लेते हो, वर्दानाफिल लेते हो, तो बहुत ही अच्छी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेक्शन अच्छा आ जाएगा। और स्त्रियों महिलाओं में भी यदि उनकी इच्छा कम है तो फ्रिबेंसरीन ये दवाई ले सकते हैं, ब्रीमेलानोडाइड ये दवाई ले सकते हैं, तो ये दवाइयाँ आप ले सकते हैं ताकि आपको इच्छा अच्छी हो जाएंगी और सेक्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा। नंबर 2 आपको प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। काय का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि भाई कौन से पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव है, यूजुअली बटक्स है, फिर थाइस का इनर भाग है, कंधे है, कान है, ओठ है, तो एक दूसरे के कौन से पार्ट सेंसिटिव है उसको स्टिम्युलेट करना, उसको एक्साइट करना, ताकि एक्साइटमेंट अच्छा आ सकता है और आप फिर इरेक्शन आके सेक्स कर सकते हैं। यह है नंबर 2 का पॉइंट। नंबर 3 का पॉइंट क्या है कि भाई मॉर्निंग में आप सेक्स करते हैं तो इरेक्शन अच्छा आने के चांसेस है, मॉर्निंग में आपका मूड फ्रेश रहता है, टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन है उसकी लेवल अच्छी रहती है, ज़्यादा रहती है सुबह के समय, सुबह फ्रेश भी रहते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। यूजुअली क्या होता है कि 50 के बाद नींद भी जल्दी खुल जाती है, तो सेक्स मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत अच्छा है और अच्छी कठोरता आ सकती है। नंबर 4 आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम का मतलब क्या है कि देखो जो जवानी में है 20-22-25 साल का लड़का बस देखते ही उसका इरेक्शन आ जाता है, तो वैसी पोजीशन वैसी कंडीशन 50 के बाद रहती नहीं है, 50 के बाद में इरेक्शन आने को टाइम लगता है, तो आपको विचार लाने पड़ेंगे, हो सकता है कि कोई सेक्स के वीडियो देखने पड़ेंगे, हो सकता है कि फोर प्ले बहुत ज़्यादा लंबे समय तक करना पड़ेगा और बाद में इरेक्शन आएगा, तो टाइम लो, फोर प्ले ज़्यादा करो, ज़्यादा फोर प्ले करेंगे तो इरेक्शन अच्छा आएगा, वजाना में भी लुब्रिकेशन अच्छा हो जाएगा और स्त्री को भी तकलीफ नहीं होगी। नंबर 5 आप लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वजाना लुब्रिकेंट से लूब्स लिंग को भी लगा सकते हैं, वजाना में भी लगा सकते हैं, ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम होगा और लुब्रिकेंट्स जो है उससे यदि फ्रिक्शन करते हैं मतलब उससे यदि मतलब प्रेशर डाल के घिसते हैं हस्तमैथुन पहले कर ले तो इरेक्शन अच्छा आ जाएगा। फिंगरिंग करते हैं वजाना में या क्लिटोरिस को लगा लेते हैं, क्लिटोरिस को स्टिमुलेशन करते हैं, तो लुब्रिकेंट्स का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वजाइनल सपोजिटरी एस्ट्रोजन वाली आती है और उससे भी काफ़ी अच्छा लुब्रिकेशन होता है और एस्ट्रोजन से भी स्त्री की इच्छा जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है एस्ट्रोजन सपोजिटरी से, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 6वां पॉइंट है कि सेक्सुअल एड्स का वापर करो, सेक्स टॉयज का वापर करो। वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर आप इस्तेमाल करते हैं तो वाइब्रेटर से काफ़ी सारा अच्छा इरेक्शन आएगा। और तकिया, अलग अलग तरह की पिलोज, सेक्स पिलोज आज मार्केट में उपलब्ध है, जिनको जिनको घुटने का प्रॉब्लम है, दर्द है, पिट का प्रॉब्लम है, तो उसमें ये अलग तरह की ऐसी कड़क तकिया रहती है कि जिसके ऊपर आप सो के नीचे वाला भाग उसके ऊपर रख के पेनिट्रेशन भी अच्छा हो जाएगा, तकलीफ भी नहीं होती और एन्जॉयमेंट भी अच्छा हो सकता है, तो सेक्स पिलोज का वापर आप कर सकते हैं। 7वां जो है वो है आशावादी होना कि भाई नहीं नहीं मैं आखिरी तक सेक्स कर सकूँगा, जीवित जब तक है तब तक, सेक्स कोई ख़त्म नहीं होता।
ऐसे बिलीफ होना और उसके बारे में आशावादी होना। क्या होता है कि आपके दिमाग में ऐसे ही कि नहीं नहीं 50 के बाद में तो होता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, अभी तो क्या बच्चे बड़े हो गए, अभी तो हमको क्या प्राइवेसी मिलती नहीं है, अभी इतना कोई है, तो ऐसे जो लोग हैं उनको सेक्स फील होता ही नहीं है। एक सर्वे किया गया है जिसमें 3500 पुरुष जो है उनका सर्वे किया, जिनकी उम्र 45 साल या उसके ऊपर थी, उनको फॉलो किया गया 10 साल तक, और उसमें ये मालूम पड़ा कि जो पुरुष आशावादी थे कि नहीं हमारा सेक्स अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्र बढ़ गई तो भी हम सेक्स कर सकते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उनका सेक्स लाइफ अच्छा चल रहा था। इसलिए आशावादी होना, होपफुल होना बहुत ही जरूरी है। आठवां पॉइंट है कि आपको जो उच्चतम अवस्था है सेक्स की, एंजॉयमेंट की, उसको जो ऑर्गेजम बोलते हैं, क्लाइमैक्स, वो आ सकता है, इरेक्शन नहीं आया तभी भी। इसलिए क्या होता है कि 50 के बाद में प्रॉब्लम आता है, इरेक्शन नहीं है, तो इरेक्शन नहीं तभी भी क्लाइमैक्स या ऑर्गेजम आ सकता है, जो मजा सेक्स की वो आ सकती है, बाय फोरप्ले, बाय स्टिमुलेशन, बाय मास्टर्बेशन, बाय लुब्रिकेंट्स मजा आ सकती है। तो विदाउट इरेक्शन ऑल्सो आप ऑर्गेजम का मजा ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 के बाद में कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि भाई सेक्स नहीं होगा, निराशावादी नहीं होना है। और मैंने बताया वो पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप 50 क्या क्या आखिरी तक सेक्स कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट है नंबर एक है, दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट्स करने वाली हो वो बुरी हो सकती है आपके लिए, वो बंद कर डालो, दवाइयाँ लो जिससे फ़ायदा होता है। नंबर दो, अलग अलग प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट्स आपके बॉडी के ऊपर। नंबर तीन, मॉर्निंग में सेक्स करो। नंबर चार, टाइम जो है वो ज़्यादा लो फोरप्ले में। नंबर पाँच, सेक्स टॉयज, सेक्स एड्स लाओ। नंबर छः, ईस्ट्रोजन सपोजिटरी या लुब्रिकेंट्स का वापर करो, और यदि आप लुब्रिकेंट्स का वापर करते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट आएगा। नंबर सात, आशावादी होना बहुत जरूरी है। और नंबर आठ, ऑर्गेजम इरेक्शन बिना संभव है। तो 50 के बाद में कोई निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है, आप मस्त एंजॉय कर सकते हैं। और रिफ्रैक्टरी पीरियड बहुत ज़्यादा होता है 50 के बाद। रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब ऐसा कि एक बार सेक्स करने के बाद में दूसरे बार सेक्स करने की इच्छा जो है उसमें बहुत लंबा टाइम मिल जाता है, तो उसके लिए फिर आपको तो वो तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा कि भाई नहीं अभी पहले मैं कर सकता था रोज एक बार या रोज दो बार, बाद में जैसी उम्र बढ़ गई वैसे वैसे हफ्ते में तीन बार चालू हो गया, जैसी उम्र और बढ़ गई तो हफ्ते में एक बार चालू हो गया, और बाद में उम्र बढ़ने के बाद में दो हफ्ते में एक बार या एक महीने में एक बार सेक्स होता है। यूजुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रीक्वेंसी है कि लोग एक हफ्ते में एक बार सेक्स करते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे जो उनको टाइम मिलता है उस समय। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।